जबलपुर के मालवीय चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अधीर रंजन चौधरी के विरोध में प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूंका। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि अधीर रंजन ने राष्ट्रपति के लिए अत्यंत अमर्यादित, आपत्तिजनक और असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग कर न सिर्फ महिलाओं की गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाई है, बल्कि भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान करते हुए देश की 130 करोड़ जनता का अपमान भी किया है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर उनका अपमान करने वाले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस की मुखिया सोनिया गांधी के खिलाफ नारे लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक में प्रदर्शन किया और उसके पश्चात पुतला जलाया। हमारी नव निर्वाचित राष्ट्रपति महोदया, जो आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी, जो अधीरंजन, जो कांग्रेस के जो लोकसभा के सदस्य हैं, उनने जो की है, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आज मांग कर रही है कि सबसे पहले तो ये जो अधीरंजन चौधरी है, इनकी सदस्यता समाप्त की जाए। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, वहाँ पर उनकी पार्टी का व्यक्ति एक राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठी हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति जी, उनका अपमान करते हुए, वो केवल उनका अपमान नहीं है, ये 125 करोड़ जनता का अपमान है। और इस प्रकार का जो कृत्य, इस प्रकार का जो काम किया गया है, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बात का विरोध करती है, पूरा देश इस बात का विरोध करता है। ये महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है, जनजाति वर्ग के सम्मान के खिलाफ है, और इतना ही, जो हमारा सुप्रीम ऑफ द नेशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके भी खिलाफ है। क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन के मूल भावना के खिलाफ बात होगी तो हिंदुस्तान उसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और इस प्रकार की बात के लिए महिलाएं आज, हमारे भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं पूरे प्रदेश भर में, देश भर में मूवमेंट तो करेंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आम जनता भी इस बात से नाराज है। इसलिए कांग्रेस को और आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी को भी हमने कहा कि कांग्रेस इस पर विचार तो करे, माफी मांगे, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष जी भी इस मामले में निर्णय लें, ये निवेदन भी हमने किया। आंदोलन का जो स्वरूप छोटा दिख रहा है, वास्तव में अब देश उस मोड़ पर खड़ा है कि आखिर लोकतंत्र में प्रजातांत्रिक मूल्य क्या होंगे, इसकी माल मर्यादा कैसी होगी। आज राष्ट्रपति से सम्मानित पद पर जो एक आदिवासी महिला पहली बार 75 साल में पहुंची है देश में आज़ादी के बाद से लेकर, ये बात कांग्रेस को हजम नहीं होने। शुरू से उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का अपमान चालू करना किया था, कलंक बताया था, पहले कलंक है, फिर उसके बाद उन्होंने जिस तरह राष्ट्रपत्नी शब्द कहा। मैं सिर्फ इतना कि अधीरंजन जी, क्या आपकी माता जी या आपकी बहन जी या आपकी पत्नी जी, जो भी हो, उनके बारे में अगर ये शब्द कहे जाते तो क्या बर्दाश्त कर लेते? ये शब्द इतने गंदे कहे गए हैं जो सुनने में शर्म आ रही थी। मुझे लगता है प्रजातंत्र का इससे बड़ा अमूल्य कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया एक आदिवासी महिला को, इसमें बुरा क्या है? वो दलित पिछड़ा वर्ग, वो दलित वर्ग जो हमेशा अपमान झेलता रहा, उसको सम्मान जब दिया सर्वोच्च पद पर, तो ये कोई एक व्यक्ति का मामला, ये संविधान में सर्वोच्च पद है, सेना का सर्वोच्च पद है, कॉन्स्टिट्यूशन का सर्वोच्च पद है, देश की प्रथम नागरिक है। इस देश की प्रथम नागरिक के बारे में जो किया गया, ये हमारे देश का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का अपमान हुआ है। इस तरह अधीरंजन चौधरी ही नहीं, संपूर्ण कांग्रेस पार्टी को क्षमा मांगनी चाहिए, और जिस महात्मा गांधी के पास जाकर उनके चरणों में बैठते हैं, उनके चरणों में गंगा जल से उनकी जुबान धोनी चाहिए। मुझे लगता है इससे बड़े शर्म की कोई और बात नहीं हो सकती। आदिवासी समाज और संपूर्ण महिला वर्ग नहीं, पूरा देश आज इससे उद्वेलित है और उनकी ओर निगाहों से देख रहा है, हम सब उनकी अत्यधिक निंदा करते हैं। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।